आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में और ये है न्यूरोकाइंड प्लस। अब इसके क्या फायदे हैं, कैसे लेना है और क्या प्राइस है इसका, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल जो है मैनकाइंड फार्मा वालों की है और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 98 रुपीज 89 पैसे में ये आती है। तो आप इसको 99 रुपीज में भी बोल सकते हो और एक स्ट्रिप मिलेगी और एक स्ट्रिप के अंदर जो है 10 कैप्सूल मिलेंगी। तो दोस्तों इसके क्या फायदे हैं, उसके पहले जो है मैं बताना चाहूंगा इसमें जो कंपोजिशन है वो है इसमें मिथाइल कोबलामिन। तो मिथाइल कोबलामिन को जो है मी कोबलामिन भी बोलते हैं, इसको B12 भी बोलते हैं, ये सब एक ही चीज है। और इसमें जो है 1500 mcg मिथाइल कोबलामिन आपको मिलेगा और इसके अलावा इसमें मिलेगा अल्फा लिपोइक एसिड जो कि रहेगा 100 mg में। इसके अलावा आपको मिलेगा विटामिन B6 जिसको आप जो है पाइरीडॉक्सिन भी बोलते हैं, ये जो है आपको 3 mg मिलेगा। इसके अलावा इसमें मिल जाएगा आपको फोलिक एसिड जो कि रहेगा 1.5 mg में। तो ये सब जो है कंपोजिशन इसमें मिलते हैं जिससे कि आपको काफी हेल्थ में फायदा मिलता है। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको नर्व पेन होता है या न्यूरोपैथी पेन होता है तो उस कंडीशन में ये काफी फायदेमंद होती है। जैसे कि आपको नसों में दर्द होता है, हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, टिंगलिंग होता है, झुंझुनी जैसा लगता है या ऐसा लगता है कि सुई चुभ रही है या कोई चींटी काट रही है आपके हाथ पैरों में, तो उस कंडीशन में ये फायदेमंद मेडिसिन आपके लिए हो सकता है। और ज्यादातर जो है देखा गया कि रात में ऐसा होता है, रात में सोते सोते एकदम से जो है पैरों में दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कोई सुई चुभा रहा है या चींटी काट रही है, इस टाइप से लगने लगता है, तो उस कंडीशन में ये ले सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट को ज्यादातर ऐसा होता है, जिनको एक बार डायबिटीज हो जाए ना तो उनको बहुत सारी बीमारियां जो है भविष्य में हो सकती हैं, जैसे कि आंख में भी बीमारी हो सकती है, आईज डिजीज हो सकती है, थोड़ा दिखना जो है कम हो सकता है समय के साथ जो है, तो डायबिटिक वालों के लिए बड़ी दिक्कत है। तो डायबिटिक पेशेंट को कई लोग रिकमेंड करते हैं डॉक्टर न्यूरोकाइन प्लस। और इसके अलावा जो है अगर एनीमिया है, आपको खून की कमी है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये देते हैं, फायदेमंद होती है। और जैसे कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये मेडिसिन काफी अच्छी होती है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन या ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी जो है न्यूरोकाइन प्लस है। इसके अलावा अगर हाथ आपके कांपते हैं, आपने देखा होगा या हाथ कांपते हैं, पैर कांपने लगते हैं, तो इस टाइप से जो बीमारी होती है उस कंडीशन में भी जो है न्यूरोकाइन प्लस जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाती है और वीकनेस को दूर करती है। अगर आपको कमजोरी जैसा लगता है, एनर्जी की कमी लगती है, तो उस कंडीशन में भी ये ली जाती है और ब्रेन के सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज होने से भी बचाती है। वो जो आर्टरी होती है, जो वेन्स होती है, उनको भी डैमेज होने से बचाती है। और कुछ कंडीशन में आपने देखा होगा कई लोगों की जो है याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, बार बार भूलते हैं, बहुत कम याद रख पाते हैं, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि नसों का टॉनिक है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी नसें हैं, आर्टरीज हैं, उनका टॉनिक बोल सकते हैं और हार्ट के लिए भी काफी अच्छी होती है। और मोस्टली दोस्तों डायबिटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर न्यूरोकाइन प्लस, या तो न्यूरोकाइन और भी आती है, ओडी आती है। तो आपने देखा दोस्तों न्यूरोकाइन प्लस के कितने सारे फायदे हैं, तो ये प्लस है, मतलब जो नॉर्मल न्यूरोकाइंड आती है ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, प्लस है। प्लस मतलब मिथाइल कोबालामिन तो आपको न्यूरोकाइंड सिंपल में मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपको जैसे कि मैंने बताया लिपोइक एसिड भी मिलता है, विटामिन B6 भी मिल जाता है, इसलिए इसका नाम रखा है न्यूरोकाइंड प्लस। तो आप इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए एक टेबलेट एक दिन में एक बार लेना होता है और इसको दो बार भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो दो बार भी डॉक्टर इसको रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मेनली जो है एक बार लिया जाता है। और कुछ भी खाने के बाद, नाश्ते के बाद जो है ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आप ले सकते हो कुछ भी खाने के। अब भाई साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो देखिए नोजिया जैसा लगता है, आपको नोजिया टाइप लगता है, या बॉडी स्किन में जो है रैसेस आ जाते हैं, वोमिटिंग जैसा लगता है, आपको चक्कर जैसा लगने लगता है, चक्कर आते हैं, या पेट खराब हो जाता है, अगर ये सब में से कुछ भी होता है तो आप समझ जाइए कि आपको जो इसका साइड इफेक्ट हो रहा है इस मेडिसिन का, तो उस कंडीशन में आप इसको लेना बंद कर सकते हो, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। आप कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं, जैसे कि डायबिटिक की हो गई, बीपी हो गई, थायराइड की हो गई, तो बिल्कुल इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कोई विटामिन B12 ले रहे हो या फिर मल्टी विटामिन ले रहे हो तो फिर उस कंडीशन में इसको ना ले, और लेना है तो एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों B12 इसमें है और मल्टी विटामिन अगर आप लेते हो तो उसमें भी B12 B6 सब मिल जाता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो बेहतर रहेगा। अब इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। देखिए अगर आप ये न्यूरोकाइन प्लस लेते हो तो अल्कोहल बंद कर दीजिए और हो सके तो स्मोकिंग भी बंद कर दीजिए। और अल्कोहल अगर बंद नहीं करोगे तो अच्छा खासा जो फायदा मिलता है इस मेडिसिन का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और डाइट पे ख्याल रखिए, न्यूट्रिशन वाली डाइट लीजिए, टाइम पे नाश्ता करिए, टाइम पे खाइए, टाइम पे सोइए, कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए, और एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता तो वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाइए।
और अगर आपके हाथ पैरों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी भी इसकी होती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर आप फिजियोथेरेपी घर पे भी कर सकते हो। तो ये सब जो है अगर आप फॉलो करोगे मेरी एडवाइस, तो काफी अच्छा जो है रिजल्ट आपको न्यूरोकाइन प्लस का मिलेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर तो आप जो कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो, या इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है फ्यूचर में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।